दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने सब्जी मंडी से लापता 8 साल की बच्ची को महज 12 घंटे में ढूंढ निकाला और परिजनों को सौंप दिया। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि रविवार रात दिल्ली से सटे खोड़ा कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जी लेने के दौरान उसकी 8 साल की बेटी लापता हो गई है। सूचना मिलते ही मुकदमा दर्ज किया गया। मधु बिहार एसीपी अक्षांत कौशिक और एसएचओ पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया अरुण कुमार चौधरी के सुपरविजन में टीम ने बच्ची को ढूंढने के लिए तलाश शुरू की। गाजीपुर सब्जी मंडी के आसपास के इलाकों में तलाश की गई। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्ची की तस्वीर सर्कुलेट की गई। लाउडस्पीकर से अनाउंस किया गया, जिसके बाद बच्ची के दिल्ली से सटे भोपुरा गांव में होने की सूचना मिली। पुलिस ने भोपुरा गांव में चाय की दुकान चलाने वाले अली हसन के पास से बच्ची को बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि बच्ची रास्ता भटककर भोपुरा गांव पहुंच गई थी, जहां अली हसन ने बच्ची की मदद करते हुए उसे सहारा दिया। 3 बजे सर वो पुलिस वाले हमारे घर पे चले गए गाड़ी लेके। फिर वो बेचारा हर एक जगह छान मारे, मंडी गए, मुर्गा मंडी गए, सब्जी मंडी गए, गोवापुर गए, एडीएम गए, जिसको जैसे हुआ जैसे बोले सब रिपोर्ट लेके सब हमारे पीछे मदद किए। इससे बढ़ के क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं पुलिस वाले। बोलो। हमारे बच्चे को 10 घंटे खोने के बाद पुलिस वाले ने सब मिल के मेरे बच्चे को खोया हुआ था उसको मिल गया। फिर हमको हवाला किया, फोन किया, हम आए तो हमारे बच्चे थे। आपको बच्ची मिल गई, आपको खुशी हो रही है? पूरी खुशी हो रही है भगवान की। पुलिस से किसी से शिकायत है आपको, किसी भी व्यक्ति से कोई? नहीं नहीं सर, किसी से नहीं, सब मेरी भगवान का रूप है, अल्लाह भगवान जो मानो एक ही है। 7 तारीख को इस तरह का ये मामला हमारे थाने में रिपोर्ट किया गया। तकरीबन 10:30-11 बजे एक बच्ची के पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी गाजीपुर में बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ आई थी और वहाँ पर वो उनसे गुम हो गई है। तो ये खबर आने के तुरंत बाद हम लोगों ने सबसे पहले FIR रजिस्टर किया और बच्ची का सर्च इमिडिएटली स्टार्ट किया। मल्टीपल टीम्स फॉर्म करके SHO जो पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो खुद टीम को लीड कर रहे थे आसपास के पूरे इलाके में। बच्ची की सर्च हमने इमिडिएटली स्टार्ट कर दी। इसमें फिर इसके बाद साथ साथ हमारे जो तमाम ग्रुप्स बने हुए हैं थाने में, व्हाट्सएप ग्रुप, सब पर भी बच्ची का फ़ोटो सर्कुलेट किया गया। तो आईज एंड ईयर स्कीम में ऐसे ही जो हमारे ग्रुप है उस पर हमारे कांस्टेबल हैं शिव कुमार, उन्होंने बच्ची का फ़ोटो सर्कुलेट किया तो वहाँ से हमें लीड मिला और इसमें बच्ची हमें रिकवर हो गई। तो इसमें बाद में पूछताछ में इस तरह की बात आई कि बच्ची जब वहाँ से गुम हो गई तो उसके बाद एक टी वेंडर हैं उनकी शॉप के पास चली गई, तो उन्होंने देखा कि जब बच्ची का कोई है नहीं तो बच्ची को उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया, रात को अपने घर भी रखा और उसको ढूंढने की कोशिश की कि इसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से मिलवा दिया जाए। तो अगले दिन वो जो हमारे आईज एंड ईयर स्कीम के मेंबर्स हैं उन्होंने उस बच्ची को पहचान लिया और उन्होंने थाने में कॉल किया, तो ऐसे करके वो बच्ची अपने पेरेंट्स से रीयूनाइट की गई। दिल्ली दस्तक के लिए ब्रजकिशोर झा के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट।